अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सहीज किचन। आज मैं आपको चिकन पराठा रोल बनाना सिखाऊंगी। तो देखते हैं उसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। उसके लिए ले रही हूँ मैं 1.5 कप फ्लोर यानी मैदा, और 1/2 कप मैं घर वाला आटा ले रही हूँ, फाइन आटा जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, और नीम गर्म पानी। तो सबसे पहले हम इनको हम डो रेडी करते हैं। इसमें हम मैदे में हम आटा मिक्स कर देते हैं और फिर इसको गूंद लेते हैं नीम गर्म पानी से। इस याद रहे कि हमेशा जो पराठा रोल होता है उसके लिए हम हमेशा गर्म नीम गर्म पानी से ही गूंदते हैं। जी डो हमारी रेडी है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं और फिर इसको हम कवर करके रख देते हैं 15-20 मिनट के लिए, और तब तक हम अपना चिकन रेडी कर लेते हैं। चिकन फिलिंग के लिए हम ले रहे हैं 1/2 कप चिकन क्यूब्स, या इसको आप स्लाइस में काट लें जैसे आपको अच्छा लगता है। 1 टीस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून ऑयल। और अगर आपके पास दही है तो दही भी डाल दें, उससे काफ़ी अच्छा लगेगा। एक बाउल में मैंने चिकन ऐड कर दिया, उसमें हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं। गरम मसाला, काली मिर्च, नमक, लेमन जूस और साथ ही हम इसमें ऑयल डाल देते हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लें। अब आखिर में इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। मैं इसको ग्राइंड किया है, पेस्ट नहीं बनाया। आप पेस्ट ऐड कर दें, पेस्ट नहीं अच्छा लगता तो उसको पाउडर फॉर्म में ऐड कर दें। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। अब इसमें हम अपना जो चिकन वाला मिक्सचर है वो ऐड कर देते हैं। पाँच से छः मिनट में ही रेडी हो जाएगा, इसको पकाएं। चिकन हमारा रेडी हो चुका है, अब इसको हम ठंडा कर लेते हैं। अब हम अपने आटे से पेड़ा बना लेते हैं जो हमने रेस्ट किया हुआ था, छोटे छोटे या जितना आप चाहते हैं उस लिहाज से बनाएं, जितना भी साइज आप रखना चाहते हैं। इसी तरह बाकी सारे भी बना लें। रोटी को हमने बेल लिया है, अब इसको पकाते हैं। एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसमें हम अपना पराठा डाल देते हैं। अब इसकी दोनों साइड्स को हम पकाते हैं। इस साइड हो चुकी है, अब दूसरी साइड बता देते हैं। जी दूसरी साइड भी रेडी है। अब जी पराठा हमारा रेडी है, अब हम इसको असेंबल करते हैं। ये मैंने 2 टेबलस्पून मायोनीज लिया है और उसमें 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है और इसको मिक्स कर लिया। और ये मैंने चटनी बनाई है पुदीने से और धनिया और सब्ज़ी मिर्च डाल के। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चिली गार्लिक सॉस जो है वो पराठे के ऊपर लगाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बस अच्छे से पूरे पे लगा दें। अब इसके ऊपर ग्रीन चटनी लगा दें, ग्रीन चटनी से बहुत अच्छा जायका आता है। अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ मायोनीज लगा दें या सिर्फ केचप लगा दें, जैसे आपको अच्छा लगे। ये हमने लगा दिया, अब इसके ऊपर हम चिकन रखते हैं। चिकन आपने अपने हिसाब से रखना है, जितना भी आप रखना चाहते हैं। अब इसके ऊपर प्याज रखते हैं स्लाइस में कटे हुए, या आप गोल को रखना चाहते हैं और ये ऑप्शनल है। वैसे चिकन पराठा में ये नहीं होते, आप इसके अलावा खीरा वगैरह भी रख सकते हैं, लेकिन चिकन पराठा सिंपल विदाउट प्याज भी होता है, लेकिन मैं इसमें थोड़े से लगा रही हूँ, वरना ये टोटली ऑप्शनल है। जी अब ये रेडी है, अब इसको आप रोल कर लें ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर इसको आप बटर पेपर में लगा लें। ये बटर हमारा रोल रेडी है, अब यूँ आपने बटर पेपर में फोल्ड करने से
जी पराठा रोल रेडी हो गया है, इसी तरह बाकी रोटी करने हैं। ज़बरदस्त है, हमारा पराठा रोल रेडी है। मैंने 4 पेड़े बनाए थे, लेकिन मैंने उसके बाद क्योंकि वो बहुत छोटे बन रहे थे, मैं थोड़े बड़ा चाहती थी, मैंने उनको मिला के 2 बना लिए, 3 बना लिए। इसी तरह आप, आपकी मर्ज़ी है, आप छोटा बनाएं, बड़ा बनाएं, जितना आपका दिल चाहे। अब हम इसको प्लेट में रख लेते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।